हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तम्मोस किचन। और आज मैं बनाऊंगी चिकन गवार। गवार और चिकन मिक्स करके बनाएंगे आज हम। इसके लिए ली मैंने 1/2 किलो गवार। देखिए, मैंने ऐसे काट ली हूँ इसे, गवार को ज़्यादा बड़ी नहीं और ज़्यादा छोटी नहीं रखी हूँ, मीडियम मीडियम रखी हूँ। और एक प्याज ली हूँ, बारीक काटी हूँ। एक टमाटर काट ली हूँ मैंने। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, सोलापुरी मसाला 1 चम्मच ली हूँ मैंने, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ली हूँ, और ये धनिया पाउडर ली हूँ 1 चम्मच। और ये चिकन बॉईल करके ली हूँ मैंने। चिकन जब बॉईल करी थी तब उसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाली हूँ मैंने, ज़रा सा नमक और ज़रा सी हल्दी डाल के बॉईल की हूँ। और ये ली हूँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच लेंगे हम इसमें डालने के लिए। और ये जो चिकन का पानी बचा था वो भी ली हूँ मैंने, ये भी ऐड करेंगे हम गवार में। अब गैस ऑन करके हम पहले भून लेंगे गवार को, हल्का सा भून लेंगे हम इसे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि गवार का पानी है, मैं गवार धोई हूँ तो उसका पानी हमें सुखाना है। गवार को भी रोस्ट करना है हमें। अगर पानी रहेगा गवार में तो जब पकेगी चिकन के साथ में तो ज़्यादा पक जाएगी गवार, इसलिए हमें पहले इसे रोस्ट करना है। बस थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे हम इसे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस हमें इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इतना ही भुनना है हमें कलर चेंज होने तक के, और फिर हम गवार निकाल लेंगे प्लेट में। अब देखिए, निकाल लेती हूँ मैं, चेंज दिख रहा है ना कलर, थोड़ा डार्क ग्रीन दिख रहा है। गवार पहले भुनने से पहले ही धोएंगे हम, भुन के धोएंगे नहीं। अब मैं डाल रही हूँ तेल, 1 चम्मच से डालूँगी मैं, 1.5 चम्मच मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, मैं ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती हूँ। और हमारी कढ़ाई गरम है और तेल भी जल्दी गरम हो जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें प्याज, प्याज को बारीक काटी हूँ मैंने। हल्का सा रोस्ट करना है हमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बस प्याज का कलर हमें बस हल्का सा चेंज करना है, हल्का ब्राउन दिखने लगेगा तो हम डालेंगे इसमें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 चम्मच, ज़्यादा भी नहीं डालना है इसमें। बहुत फटाफट बन जाती है चिकन गवार। बस अब डाल रही हूँ मैं गरम मसाले इसमें, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ पहले पहले इसे हम रोस्ट करेंगे। बस 1 मिनट पकाएंगे पहले इसे हम। अब डालूँगी टमाटर, टमाटर को नरम होने तक के हमें भूनना है। देखिए ऐसे नरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने पहले प्लेट में नहीं रखी थी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी मैं। प्लेट में नहीं रखी थी मैंने हल्दी पाउडर, उसमें जगह नहीं थी। अब इसे हल्दी पाउडर डाल के भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब डाल रही हूँ मैं गरम मसाला और नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर और सोलापुरी मसाला हम बाद में मिलाएंगे। सोलापुरी मसाले को घाटी मसाला भी कहते हैं। अब डालेंगे हम गवार, मसाला अच्छे से पूरा मिला लेना है हमें इसमें। पहले मसाले के साथ गवार मिला लेंगे, फिर हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे इसमें, लाल मिर्ची पाउडर और सोलापुरी मसाला, दोनों 1-1 चम्मच लिए मैंने।
अब डालूँगी मैं इसमें चिकन, बॉयल्ड चिकन है हमारा। हाथों से मैंने उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ी हूँ, छोटे पीस किए हूँ मैंने तोड़ के। एक बाउल जितना चिकन है, अब ये जो चिकन का पानी बचा था वो भी डाल देती हूँ मैं इसमें। हमें अलग से पानी कुछ नहीं ऐड करना है इसमें। और पानी डालने के बाद गैस हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही रखना है हमें, स्लो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी गवार पहले पक चुकी है और चिकन भी पक चुका है। ये जो बॉयल्ड चिकन का पानी है उसमें अच्छे से गवार भी पक जाएगी हमारी, और पानी का टेस्ट भी आ जाएगा गवार में। देखिए हाई फ्लेम पे ही रखना है, अगर स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो गवार ज़्यादा नरम हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए बस 5 से 7 मिनट रखूँगी मैं इसको, हाई फ्लेम पे ही रखी हूँ। अरे पक चुकी है हमारी गवार, देखिए मैंने प्लेटिंग की हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी ट्राई करिएगा चिकन गवार, बहुत टेस्टी लगती है खाने में।